खोपड़ा नहीं दिख रहा था वहां से, ये ले मर। अरे इसको मारना था बुड्ढे को। अबे क्या है, मर जाना। लेकिन पंगा ये है कि ग्रैनी ग्रैंडपा के पास इतना पैसा आका से रहा है भाई, बिना कुछ करे धरे, बिना नौकरी करे, बिना यूट्यूबर, पता नहीं क्या कर रही है लोग, पता नहीं कहाँ से पैसा ला रहे। दोबारा से घर के नीचे गड्ढा खोद के फिर से बना दी, एक और इन्होंने सुरंग सी काट दी, बस उसके अंदर अब घुसो, अब यही काम रह गया बस अब, है ना, यही तो काम है। तुम गए सारे सारे, तो फिर तुम सबका स्वागत है फिर से ग्रैनी 3 के हॉरर गेम के अंदर। और आज हम इसके अंदर करने वाले टैंक एस्केप, बट आज मैं करूंगा नॉर्मल मोड के अंदर। और तुम्हें डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक नीचे मिल जाएगा, जाके मेरे को वहां पर ज्वाइन कर लो, वहां पे भी मैं टपकता रहता हूं टाइम के साथ साथ, और टाइम के बाद भी, और टाइम से पहले भी। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का खेला खेला। डन गाइस, तो मैं आ चुका हूं मेरे गेम के अंदर, और इसका नाम ग्रैनी 3। अबे बुड्ढे तेरी शॉर्ट करा तेरे मोचा पे, चलो छोड़ यार, बड़ा है हमसे, हमको थोड़ी इसकी इज्जत करनी चाहिए। जा बे, ये क्या आ गया, इतना सब कुछ। इमेज इफेक्ट्स आ चुके हैं, कलर ग्रेडिंग में थोड़ा सा और बढ़िया दिख जाएगा यार, थोड़ा सा इनहेंस होकर दिखेगा। पॉइंट तो बढ़िया लड़ ले। चेज म्यूजिक डिफॉल्ट, ग्रैनी वन का लगा सकते है। अबे चुप हो जा, ग्रैनी 2 का भी लगा सकते हैं। अबे छोड़ो यार, ऑफ करते। नाइट मेरे मोड भी दे रखा है। अबे नहीं भाई, पहले मैं इसको तो कर लूं, जैसे मैंने कहा था नॉर्मल मोड के अंदर। गाइस मैं यहाँ पे ग्रैनी के हाथ में भी वेपन दे सकता हूँ, या बैट, या फिर इसके हाथ में स्लिंग शॉट। ना, फिलहाल के लिए सिर्फ ओली बैट रखते है भाई, बैट ही बहुत मेरे पे लड़ रहे, खून का धसा हुआ ना ग्रैनी। तेरी बुड्ढे, चुप हो जा। फ्लैश लाइट, इतना डार्क मोड में थोड़ी खेलूंगा। स्लेंडरिना दे दो, ओके डन। सनग्लासेस, स्लेंडरिना ने भी पहन ली है, स्लेंडरिना का कुत्ता, सॉरी इसका बच्चा भी है, देखो ये रहा इधर बगल में। ओए हट यहाँ से, हट यहाँ से, हाँ हट गई, वो देखो रही, उसका बेबी स्पाइडर भी इधर, तो मेरे को नीचे इतना काफी है। और चलो देख लेते हैं कि आज हम ग्रैनी 3 का इंट्रो भी चेकआउट कर लेते हैं, कि क्या पता थोड़ा बहुत चेंज हो जाए। अभी मैं घर के अंदर तो घुस रहा हूँ, घर के अंदर कुछ ऐसी वाइब तो नहीं आ रही मेरे को। डन, सिर्फ गेट खोल के मैं सीधा घुस जाता हूँ, लेकिन मेरा इस घर में आने का जो रीजन होता है वो तो मुझे भी नहीं पता। चलो छोड़ो। एंड अभी देखो वो है सामने ग्रैनी का मेंशन, जो कि इसने बहुत बड़ा खरीद रखा है। और ये बैक साइड से गेट बंद हो चुका है, एंड बिकॉज ऑफ कैमरा लगा हुआ था गेट के ऊपर, और वो ग्रैनी ऊपर से देख के कंट्रोल कर रही है। अभी मैं सिर्फ देख रहा हूँ कि ये जगह कितनी बड़ी है, कि क्या मैं यहाँ से बाहर निकल पाऊंगा। और मैं इनके मेंशन के अंदर तो घुस चुका हूँ, और ये वाले इन्होंने ब्रिज भी बंद कर दिया, बट अपने को टैंक एस्केप करना है, नॉट ए ब्रिज एस्केप। एंड अभी मैं जाऊँगा गेट की तरफ, तो अपने को पीछे से बुड्ढा देगा धप्पा 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 धप्पा। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, अभी जस्ट सिंपली अपन गेट पे जा रहे होते हैं, एंड पीछे से तुम सबको पता है, मेरे बताने की जरूरत है नहीं। अरे लड़ ले, और ये सनग्लासेस वाला, ये बुड्ढा रॉक, चिन टपाक डम डम। फाइनली हमें ग्रैंडपा ने धर दिया, चिन टपाक डम डम। ये पीछे से आता था, एंड अभी हम उठेंगे हमारी जेल के अंदर, बट अपने को टैंक एस्केप करना पड़ेगा, और उसके लिए अपने बहुत सारे जुगाड़ है जो कि मुझे कुछ भी नहीं पता है। तो चलो अभी मैं आ चुका हूँ फिर से मेरे गेम के अंदर। यहाँ पर आइटम्स थोड़े से हाईलाइट होके पड़े रहेंगे, ठीक है, बढ़िया। छोटी छोटी चीजें ही इंसानों को बेहतर बनाती है। डन, अभी मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ, और ये रहा टैंक, इसको यहाँ से खोलने का कोई जुगाड़ है ही नहीं। एक सेकंड, यहाँ पे कुछ पड़ा हुआ है, आई थिंक मुझे लगता है कि मुझे इसको तो कंप्लीट नहीं करना पड़ेगा, पता नहीं, आई डोंट नो। टैंक एस्केप पे जाने का रास्ता वो रहा अपने को मिल चुका है, यहाँ से अंदर घुसने का रास्ता, बट अपने को इससे खोलना पड़ेगा। आई नीड ए डोर एक्टिवेट। अरे रुक जा यार, गेम शुरू हुआ अभी तो, इसकी ऐसी की तैसी। तो चलो गाइस, अभी पॉइंट तो बहुत ही सिंपल सा था, तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि मुझे इस वाले भोपले का कुछ तो चाहिए। यस ब्रो, सेम डिटो ब्रो, यार मेरे को इससे चाहिए वो डोर एक्टिवेटर। आ ब्रो, इसने भी सनग्लासेस लगा लिए। अबे टीन के डब्बे, तूने सनग्लासेस क्यों लगा ली ब्रो? यार ये चीज तो बढ़िया भाई, सबको ही कूल बना दो। बट फिलहाल यहाँ पे शोर हो चुका है, और वो लोग यहाँ पे आने वाले होंगे, तो मैं यहाँ से निकल लेता हूँ भलाई इसी में, और देखता हूँ कि अपने को यहाँ से कुछ मिल सकता है या फिर नहीं। यहाँ पे तो गाइस अपने को यहाँ से मिल चुका प्लैंक, ओके। तो अभी मैं सिंपल इस वाले प्लैंक को यहाँ से चला, और देख लिया। ओह माय गॉड, वेरी खतरनाक, बहुत खतरनाक। फट्टे को यहाँ गिरता हूँ, अभी भोपले को वहां से बुला लेता हूँ दूसरी साइड से, कि ताकि मैं ग्रैनी ग्रैंडपा को, मैं आ जाए, ताकि मैं ग्रैनी ग्रैंडपा को यहाँ पे बुला सकूँ। बोकरे ब्रो, सीरियसली यार, इसने भी लगा रखे सनग्लासेस। अभी आ गई थी सिलेंड्रीना, जो कि मेरे को बार बार डराएगी, तो अपने को सबसे पहले उसको भगाना पड़ेगा। फट्टा दे दो, वो दोनों वहां जा चुके हैं। बहुत बड़े इजी यार, कितना आसान था उनको यहाँ से भगाना। और बुड्ढा ग्रैनी चाहिए, और ग्रैनी यार यहाँ से हूँ, यहाँ पे कुछ पड़ा हुआ है, नथिंग। इसने भी सनग्लासेस पहन ली, पर ब्रो सीरियसली भाई, पूरे गेम में जितने भी मिलेंगे अपने को, कार्टून फार्टून सबने पहन लिए। अब चड्डी बड्डी हड्डी भगले, वो लोग आ रहे पीछे से।
मैं ऐसे टाइम पास नहीं मार सकता। पर यहाँ पे ट्रैप पड़ा हुआ डन, यहाँ पे कुछ है नथिंग। मैच बॉक्स मिला अपने वहां से, इधर इधर यहाँ पे नहीं कुछ भी। मैं एक काम करता हूँ, मैं प्लैंक वहाँ ड्रॉप करके मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। एंड अपने को सबसे पहले चाहिए होती है वेपन की, एंड वो लेके फटाफट से मैं यहाँ से। अबे कैसा गेट है भैया, आर पार नहीं हुआ मैं इसके। बदतमीज गेट डन, बट फिलहाल देख ले कि अगर कुछ पड़ा हुआ तो यार। अरे अबे यार इसने भी सनग्लासेस लगा रखे हैं भाई, भाई क्या हो रहा है यार, सबने लगा रखे हैं। यहाँ पे वेपन की मिल चुकी है जैसे कि अपने को मिलनी थी। अरे बंद कर दे भाई इसको कि ताकि मेरे को पता रहे। ओ यहाँ से मिल चुकी है फायरवुड, तो मैं याद रखूंगा डन। और आई थिंक यहाँ पे इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलता। ठन ठन गोपाल, यहाँ से निकल लेता हूँ। और आई थिंक अपनी ये लिफ्ट काम करती है, देर इज नो इलेक्ट्रिसिटी, अपने को ऑन करना पड़ेगा जनरेटर को। अरे बुड्ढा अरे बुड्ढा अरे बुड्ढा यहाँ पे। अरे यार गलत टाइम पे आ गया, अपने को बाहर जाना था बहुत सारे स्टोन्स को चुनने के लिए, सॉरी चुकने के लिए जाना था। बट अभी ये तो इधर ही आ रहा है, कहाँ गया? ओए बुड्ढे, उसने देखा नहीं मेरे को। चलो फाइनली ये तो यहाँ से बाहर चला गया, बट इजी भाई इजी। अबे हट यहाँ बदतमीज बुड्ढा, पहले इसको ही बंद कर देता हूँ कि क्या पता यहाँ से सामने से कोई टपक ना जाए। बट गाइस अपने को यहाँ से मिल चुका है टूल, मिला अपने को ए टूल। अब ये किस काम आएगा बे डू? अरे तेरी बड़ी तगड़ी यार वो तो, यार वो नहीं जीने दे रही। मैं यहाँ से नहीं जा सकता, वहां से ग्रैंड पा आने वाला है, थोड़ा वेट करके फिर यहाँ से निकलते हैं। या फिर सामने से ग्रैनी भी आ गई। तनु काला चश्मा जचदाए तोरे मुकड़े नू, ये तो पास आ रही है। इतने इसने देख लिया मेरे को यार, चेज म्यूजिक नहीं आ रहा है। अरे यार मैंने चेज म्यूजिक बंद कर दिया था, क्यों नितेश क्यों? मेरे को तो पता ही नहीं चलेगा भाई किसने देखा या मेरे को किसने नहीं देखा। अपने को बाहर जाके लेने थे बहुत सारे स्टोन्स, अभी यहाँ से लेता हूँ स्टोन्स, ले लेता हूँ बहुत सारे। अरे वो तो बाहर ही भटक रहा बुड्ढा। अरे भाई यार, अरे कहाँ जाऊँ भाई? कुक वो सामने कर रही आ रही, कहाँ जाऊँ भाई कहाँ जा? एक काम करता हूँ मैं, सबसे पहले वहाँ जाके ले लेता हूँ स्लिंग शॉट। अभी नीचे पड़ता ट्रैप, मेरी गुद्दी टूट जाती। मैं ऊपर जाके ले लेता हूँ स्लिंग शॉट, और ग्रैनी भी अंदर जस्ट अभी आने लग रही है। मैं कह रहा यहाँ से स्लिंग शॉट लेके मैं थोड़ा बहुत घर को एक्सप्लोर कर लेता हूँ कि मुझे यहाँ वहाँ से क्या क्या मिल सकता है। यहाँ से मिल चुकी अपने को पेडलॉक की, ईजी। ओके ग्रैनी नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं मिला। इसको खोलना पड़ेगा यार उस गेट को, और वहां पे क्रैकिंग हो चुकी थी। यहाँ पे कुछ मिलेगा? ठन ठन गोपाल, इसको भी खोलना पड़ेगा। और ब्रो वहां पे नीचे ग्रैनी खड़ी हुई है, जस्ट मैंने वहां पे क्रैकिंग करी थी, क्या कर रहा जल्दी खोल इसको। भाई वो सामने से आई तो मेरी गुद्दी टूटेगी। अरे खोल ला इसका पत्ता भी से। डन, अभी मैंने इसको यहाँ पे खोल दिया। बट अरे यार कोई आ तो नहीं रहा इधर। और गाइस अभी ग्रैनी ऊपर आने वाली है, या मैं ऐसे जा रहा हूँ भाई, जा रहे हैं। वो बगल से आई, अभी बगल में छोरा, बगल में ग्रैनी भाई। अभी उसको वहाँ से जाने दो पहले, देखो वो वहाँ से जा चुकी है। बट आई थिंक उसने मुझे तो नहीं देखा ना, अपने को वहाँ पे लगाना पड़ेगा प्लैंक। बट अभी मैं पहले यहाँ से निकल लेता हूँ। और ग्रैनी का मतलब इसको इस पे भी थक लाइफ के चश्मे भाई, तेरे पता सूट भी नहीं कर रहे। अरे यार भाई कैसा सा लग रहा है, तेरा तो कान भी नहीं है भाई, बिना कान के इसके ऊपर चश्मे घंटा फोड़े लगेंगे। अरे बदतमीज कौवे तू कहता लड़ ले, देखो इसको एक बार देखो भाई कैसा सा लग रहा है यार, बिना ग्रेविटी का चश्मा टांग रखा है इसने। ग्रेविटी के नाम की चीज होती है ना, कि जैसे कि मैंने इसको हाथ में पकड़ा ठीक है, इसको मैंने छोड़ दिया, नीचे गिर गया ना वो। अबे तो भाई इसके ये चश्मे कैसे अटके हुए हैं, कुछ भी हो रहा है इस गेम के अंदर। चलो भाई चलो जो भी हो। अरे क्या कहाँ से देखा उसने मेरे को, फिर बुड्ढे के बगल में खड़ी होके मैं तो करके चलेगी वो दीदी। बुड्ढू बुड्ढू गोली मार सकता वहीं से? ओ नहीं भाई बुड्ढा वहीं से गोली मार देगा और मार देगा भाई बुड्ढा। ग्रैंड पा थग लाइफ के चश्मे लगा के गोली मार रहा है। तो चलो जो भी हो, बट गाइस इसके पास है शेड की, तो अपने को वो भी उससे लेनी पड़ेगी। हेलो बुड्ढो कैसा है लुलु ला लुलु ला लुलु। अरे ना भाई वो मार सकता है, वो मार सकता है। एंड अभी अपन यहाँ से अपने को लेने स्टोन्स, बात खत्म। एंड यहाँ पे भी कुछ ना कुछ पड़ा होता है, बट पहले इसको यहाँ से जाने दो बुड्ढे को। अबे जाना है यहाँ से? अरे ना अबे अबे चला जा बुड्ढे, मेरे को लेने स्टोन्स। ये तो गोली पे गोली पहले जा तेरी सासू की भगाने दे। उसकी गोली लग सकती है मेरे को, यहाँ तक लग सकती है भाई, इस बुड्ढे का बहुत तगड़ा एम है। अरे अरे क्या इसी हूँ, चला जा वहां से। अरे ओ माय गॉड मार ये मेरे को, ये मेरे को अभी यहाँ से इधर फेंकने वाली थी नीचे बदतमीज कहीं सिलेंडर कहीं की। अबे तो अभी यही पकड़ भाई, मैं जा रहा हूँ यहाँ से भैया, मैं ही चला जा रहा हूँ, मैं ही जा रहा हूँ यहाँ से। अपनी करा ऐसी के तैसी बुड्ढा कहीं का, दो घंटे हो गए यार वही कहीं खड़ा हुआ है।
एक सेकंड, या फिर मेरे को यहाँ पे क्या करूँ यार, यहाँ से निकल लेता हूँ एक सेकंड। मैंने वहां पे कर दी क्रैकिंग, तो आई थिंक यहाँ पे ग्रैनी थोड़ी देर में पहुंचती होगी और मैं फिर यहाँ से पीछे से निकल जाऊंगा। ग्रैनी आ जा, ग्रैनी ग्रैनी कब आएगी तो मैं यहाँ से बाहर जाऊँ। अभी छोड़ो, एक काम करते हैं, वहां से बुड्ढा हट चुका है तो मैं अभी जाने वाला हूँ फिर से इसी रास्ते का यूज करके, बिकॉज बुड्ढा तो यहाँ से जा चुका है इजिली। सिंपल इधर कूदा, बस ध्यान रहे कि अरे बुड्ढा अबे यार घुटने टूट गए तेरे। ब्रो यहाँ पर अपने टोटल 2 स्टोन्स का जुगाड़। अरे यार ये दीदी ना मान रही मेरे को, बुड्ढा देख लो इधर उधर हो सकता है। अरे ले ले भाई, बुड्ढा मार देगा इतनी देर में तो। नहीं है नहीं है नहीं है, ये क्या लगाओ यहाँ पे, ये बटन किस चीज का बटन है भाई? ये बटन को मैं दोबारा प्रेस नहीं कर सकता, बिकॉज मैं इस वाले बटन को एक बार प्रेस कर चुका हूँ घर के पिछवाड़े में। बटन बढ़िया है, बढ़िया कॉन्सेप्ट है। तो चलो अभी अपने को जो मिलेगा मैं उनको सीधा यहाँ पे मारने वाला हूँ, सीधी बात। ओ मरिया, 3 पत्थर मिल गए, बात खत्म, बढ़िया बस। एंड अभी मैं जाने वाला हूँ सबसे नीचे, एंड अपने को वहां से मिल जाएगा क्रोबार। एक सेकेंड बट उस, अरे यार ये कहां से आली, ये ले तेरे मुंह पे तेरे थग लाइफ के चश्मे। अब इसका पति भड़क जाएगा, देखो आजा आजा। अरे अरे भाई तू बहुत धीरे लाडले, तू बहुत धीरे चलता है, उसको मार दे चलो। बट यहाँ पे पड़ा तो था एक स्टोन, यहाँ पे भी पड़ा हुआ था, कोई चिंता की बात नहीं। एक अपने को पड़ा हुआ मिल गया इधर से, अबे ले ले ना यार कितना बदतमीज है। और एक अपने को पड़ा मिल गया यहाँ से, डन। ओके टोटल 300, अबे क्या टोटल 3 स्टोन्स हो चुके अपने पास। और बुड्ढे तेरी ये शॉर्ट गन तू ही रख ले, ऐश कर जा ऐश कर भाई। ये गेटों के मैं आर पार नहीं होता हूँ, चुपचाप से अभी यहाँ से निकल ले। बस सिर्फ एक चीज़ का डर है कि कभी ग्रैनी ग्रैंडपा यहाँ से नीचे से स्पोन होके ना आ जाए। सिंपल है, जितने ट्रैप लगे पहले इसके सारे पे तोड़ूंगा ट्रैप, बात खत्म। एंड अभी मैं फोड़ूंगा इसको, एंड अभी इसको मैंने वहाँ पे ड्रॉप किया, एंड अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, एंड वहाँ से अपने को मिल जाएगा क्रोबार। और देखते हैं कि उसका काम कहाँ कहाँ पे, फ्यूज का काम तो आई थिंक अपने को काम आता है मेन डोर एस्केप में। फिलहाल यहाँ से निकल लेता हूँ, वो लोग कभी भी यहाँ पर टपक सकते, बट आई थिंक मैं जा तो सकता हूँ, शायद जा सकता हूँ शायद। एक छोटा सा लेता हूँ पंगा, क्या है जनरेटर केबल है यार। अब कभी मुंह मत, और करी नहीं आगे कति मुंह में घुस गई थी वो तो दीदी तो पड़े। ओके एंड अभी इनको यहाँ वहाँ भटकाना पड़ेगा कि ताकि ये लोग मेरा पीछा छोड़ दे और मैं इन वाली चीज़ों का बाहर यूज कर पाऊँ। आई हैव स्लिंग शॉट, मैं इनको सीधा मार सकता हूँ, सीधी बात नो बकवास। मैं बाहर बुलाता हूँ इस वाले भोपले को, स्लिंग शॉट वाला भोपला। बढ़िया, क्या भोपला है बढ़िया। बुड्ढा जी मेरे को बुड्ढा, मेरे को बुड्ढा भी चाहिए यहाँ पे नाला भगचा भगचा। आई वॉन्ट बुड्ढा ग्रैनी, अबे ग्रैनी मुझे बुड्ढा बुढ़िया दोनों एक साथ चाहिए, दोनों मुझे चाहिए एक साथ, सीधी बात नो बकवास। डन, अभी मैंने वहाँ पे शोर कर दिया तो ग्रैनी तो शायद वहाँ पे पहुँच चुकी होगी, बट अपने को ग्रैंडपा भी चाहिए। ग्रैंडपा बुड्ढा नहीं आया अब तक, आ गया। हेलो, अबे क्या कर रहा भाई, ये मेरा बाहर जाने का रास्ता भी ब्लॉक कर सकता है। हाँ बुड्ढे तेरे साथ खेलना चाहता हूँ मैं, अब इसको पीछे से मारेंगे। अरे बुड्ढे, अरे बुड्ढे का मेरे को खोपड़ा नहीं दिख रहा था वहां से, ये ले मार। अरे इसको मारना था बुड्ढे को, अबे क्या है मर जा रहा। ओबे भाई, ओबे ओबे खून निकलता है भाई शॉटगन मारने से, सॉरी ग्रैनी ब्रो, शॉटगन मारने से ब्लड निकल रहा है। ओए इतना कुछ डाल दिया क्या, वेयर इज द एमो, एमोस के भाड़ में। मैं ये प्लैंक लेके जा रहा हूँ ऊपर, बात बहुत ही सिंपल सी है यार। भाई बगल से ग्रैनी टपक गई थी मेरे लाड़ ले, पत्ता मिस ग्रैनी, ग्रैनी इतने सारे ट्रैप को क्या करेगी ये। तो चलो देखते कि अपने को यहाँ से क्या मिल सकता है, कुछ नया कुछ पुराना। डन, पट्टा लगाया और मैं यहाँ से निकल गया थोड़ा बैठ नीचे। बहुत बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया खेला मैंने तो, बहुत बढ़िया खेला। मैं सीधा यहाँ कूद गया नीचे लड़ लेना, बहुत बढ़िया। एंड यहाँ से मेरे को कुछ मिलने वाला है नहीं, टैडी मिल गया, बट ब्रो मैं टैडी लूंगा तो मेरे पीछे दोनों पड़ जाएंगे ग्रैनी ग्रैंडपा। चुपचाप यहाँ से जाके देखूँ, अब ग्रैनी जा चुकी है ऊपर। मैं यहाँ पे थोड़ा सा फंस सकता हूँ एक सेकेंड, इसको खोलने के लिए अपने जो सेफ की, और इसको मैं चला सकता हूँ, मत चला वो शायद यहाँ पे आ सकते हैं शायद। ग्रैनी चली जाए ऊपर तो मजा सा आ जाएगा, इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ। मैं ग्रैनी को वहाँ पे खड़ा कर देखता हूँ इधर से, कहाँ की ग्रैनी। ग्रैनी जा चुकी है संडास को चेक करने के लिए, अभी मैं ऐसे मैं वहाँ से निकल चुका हूँ, बस अपने को बुड्ढा ना मिले ऊपर, ट्रैप पड़ा नीचे, बुड्ढा भी यहाँ पे घूमता फिरता रहता। मैं दोबारा घूम फिर के फिर से आ चुका वहीं पे, बट इस बारी मुझे यहाँ से नीचे नहीं गिर रहा। और यहाँ पे क्या, अबे यहाँ पे पड़ी हुई है मरी हुई एंजेलिना सेंडरना मॉम, देयर सीम्स टू बी समथिंग इनसाइड दिस मॉन्स्टर, इसको काटना पड़ेगा क्या।
अरे सीरियसली मेरे को इसको या कंधों पे बिठाना पड़ेगा भाई यार, पद्दी लेके घूम रहा मैं इसको। चौक स्लैम तो फेंक दे भाई, झूल के ना 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 ना, ये क्या बना दिया यार इस गेम के अंदर भाई, इतनी सारी चीजें डाल दी। तभी मैं सोचूं कि इस गेम की इतनी हाइप कैसे है। बढ़िया है, चलो बढ़िया बढ़िया। और आई थिंक मुझे जहां तक लगता है कि इसको काटना पड़ेगा उसी कटर के अंदर, और वो सिर्फ पूरे गेम के अंदर सिर्फ एक ही है, एंड इसकी वहां पे गर्दन कटेगी। ये गेम तो सीरियसली कुछ ज्यादा ही स्कैरी है भाई। अरे मैं फिर नीचे पड़ गया। अबे कैसा सा गेम है भाई। एक सेकंड, अभी मैं काम करता हूँ, अभी फिलहाल इसको मैं फेंकता हूँ इधर। अरे अरे स्लेंडरना की मम्मी को मैं लेके घूम रहा हूँ ना। ओ स्लेंडरना को, अरे गुस्सा। ये वाला मैं टेबल पे चौक स्लैम, अरे कहाँ फेंक दिया ये वाला, टेबल पे चौक स्लैम दे रहा था मैं तो, चौक स्लैम। ओ इसको फेंकता हूँ तो फिर ग्रहणी आती है का है? ये ले भाई, मैं इसको मैंने टेबल के नीचे पद्दी ले रखा भाई, कंधों पे बढ़ा रखा लड़ ले, कंधा दे रहा हूँ मैं इसको यार मरी हुई इसकी। और भाई ग्रैनी ने लात मार दिया। बट एक सेकंड, मैं यहाँ से टैडी उठा के बुड्ढा बुढ़िया दोनों को एक साथ यहाँ पे बुला लेता हूँ। इधर आ रहा, इधर 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 आ, इधर 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 आ जाओ, इधर यहाँ आ जाओ, चाहे वहाँ आ जाओ मुझे नहीं पता। और अभी मैंने इसको फिर से ले लिया, अब अपने कंधों पे धर लिया भाई, सारा बोझ धर दिया मेरे इस पे। अबे बुड्ढा नहीं आया, चलो चलो चलो, बुड्ढा भी आ गया। अब दीदी को आ रहा गुस्सा, बाइक लेनी बाइक लेनी। अभी मैं इसको लेके यहाँ पे नीचे कूद चुका, बट अभी मेरे को इसकी गर्दन ही काटनी पड़ेगी, मुझे तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। और आई थिंक उसके बाद अपने को इसके अंदर से कुछ ना कुछ मिलने वाला। ओ पत्थर 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 स्टोन भाटे। ब्रो सीरियसली मुझे इसके यहाँ पे गर्दन कट कर रही है। एक सेकेंड, ब्लड निकला मेरे को वहां से, मिल गई है। क्या मिला? सीक्रेट की। ये कहाँ लगेगी अब? सीक्रेट की कहाँ पे लगती है? सीक्रेट की जाए भाड़ में। अब बुढ़ा क्या गया, अब मेरे को इससे भगना पड़े। कुछ तो हो गया, कुछ तो हुआ है। अबे बुढ़ा मेरे पीछे पीछे। एक सेकंड, पत्थर 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 ले 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 लिया ले लिया बुढ़े, पत्थर ले लिया मैंने, बदतमीज बुढ़ा। और गाइस वहां पे तो ग्रैनी भी है, बट कोई बात नहीं। ये रहा एक और स्टोन, गिव मी दैट। आ रहा, आ जा बदतमीज, ले लिया तीन पत्थर ले लिए बुढ़े। और अबे ये क्या हो रहा, ये सिलेंडर की बच्ची मेरे को मार के मारेगी। एक ग्रैनी वो रही, जा 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 जा, तू जा बेटी, तू वहीं चली जा, वहीं चली जा, जहाँ भी जाना था। एक सेकंड में ग्रैनी को भी बुला सकता हूँ एक साथ, चलो तो चलो, आ जाओ मेरे पीछे पीछे बदतमीज कहीं के। लेकिन मेरे को ये नहीं पता कि यार ये वाली चाबी कहाँ पे लगेगी। आई थिंक मुझे ये लगता है कि ब्रो ये चाबी लगने वाली है सीक्रेट की, इट मीन्स कि टैंक एस्केप वाला रास्ता खोलना पड़ेगा। इसको ऐसे खोल दे। अरे यार ये ट्रैप मेरे को जकड़ लेगा। ग्रैनी ने बहुत सारे ट्रैप डाल रखे, इसको मैं ड्रॉप कर देता हूँ इधर इधर इधर, यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। एंड यहाँ से मुझे मिल गई मेरी वेपन की। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, इधर आए। ओह ओह दे 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 दे, ये दे मेरे को, मैंने इससे ले लिया। और गाइस मैंने इसका काला चश्मा टूट रहा है तेरा, टूटे तेरे मुखड़े पे। एक सेकंड, अभी वो लोग यहाँ पे आएंगे नीचे। बट मुझे मिल चुकी है टैंक एस्केप की चाबी। एक काम करता हूँ, अभी मैं इन दोनों को यहाँ पे दबा रहा हूँ। नहीं और ना, अरे क्या, जल्दी भग जाओ, वो मेरे को देख सकती है। एक सेकंड, बस अपने को वहां से लेके आने हैं अपना टैंक एस्केप वाला जुगाड़, और उसके बाद मैं यहाँ से निकल लूंगा। बस फिलहाल थोड़ा सा मैंने शोर यहाँ पे कर दिया कि ताकि ग्रैनी आ जाए यहाँ पे, और मैं पीछे जाके वो डोर एक्टिवेटर उठा लूंगा इजीली। मैंने वहां से चक लिया, तेरा काला चश्मा टूट रहा है। क्या भाई क्या भाई, ज्यादा बोलेगा तू मेरे सामने। भोपलेगा, भोपला बजा दिया हमने, भोपू 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 भोपू। पहले इनको यहाँ से जाने दो, एंड अभी मैं अपने टैंक। एक सेकंड, इसने बीचों बीच डाले ट्रैप, ये ले तेरे ट्रैप पे हमारी गोली, जल्दी वो आने वाली होगी यहाँ से भटक ले। और गाइस फाइनली मैं शायद इसको खोल सकता हूँ यहाँ से। खोल दिया मैंने टैंक एस्केप पे जाने का, खोल दिया। अरे बट यहाँ पे शोर क्यों कर दिया यार, अरे क्या होगा दिक्कत तेरे को यार, यहाँ से मेरे को नीचे कूदना पड़ेगा। चलो चलो, यहाँ से मुझे किसी के चलने का शोर आ रहा है। आई थिंक मुझे लग रहा है कि यहाँ पर वो है ग्रैनी चैप्टर वन वाली स्पाइडर एंजेलिना शायद। अब ये भाई वो भी है क्या, कितने लोग घुसा रखे हैं? पता नहीं भाई कितने सारे लोग यहाँ पे। थोड़ा बच के जाना पड़ेगा, वो ना हो यहाँ पे, इजी थोड़ा इजी इजी। मैं आ चुका हूँ यहाँ पर टैंक एस्केप वाली जगह पे। बट एक सेकंड, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बेबी नीथ। बेबी नीथ का क्या मतलब होता है, आई डोंट नो। यहाँ पे डालने पड़ेंगे अपने को कॉइन्स, टैंक की लगानी पड़ेगी, फिर लगानी पड़ेगा कॉइन, यहाँ पे लगानी पड़ेगी माचिस, उसके बाद खुलेगा ये वाला दरवाजा। सॉरी यार, ये वाला बंकर खुलेगा फिर। अरे क्या भाई, ये यहाँ पे क्या हो रहा है मुझे कुछ नहीं पता। बट एक सेकंड, एंड ओ ये चाबी शायद अपने को यहीं पे लगानी थी क्या, शायद, पता नहीं ब्रो यार, नाम ही नहीं आया। ये वाला बटन दबा दिया मैंने,
कुछ तो बटन दबाया, बटन दबाने से खुला ये, और मेरे को यहाँ से मिल चुकी है ग्रीन की। इतनी सारी चाबियां, मेरे को तो कुछ नहीं आ रहा समझ में। यहाँ पे रखा हुआ एक और डोर एक्टिवेटर। आई थिंक अभी मैं वहां से इसको खोल सकता हूँ, बिल्कुल उसके बगल से। कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें बना रखी है लाडले। पता नहीं यार क्या क्या कहाँ से क्या घुसा रखा है बढ़िया। एंड अभी देखते हैं कि यहाँ पे और कुछ अपने को मिल सकता क्या। नहीं, इसको हटाया तो एक और यहाँ पर रखा हुआ है क्रोबार के लिए कुछ अलग। इसको खोला तो यहाँ पर एक और दरवाजा, दरवाजे के अंदर दरवाजा। और आई थिंक अपने को इसको खोलने के लिए अपने कुछ पेडलॉक की, अरे पेडलॉक की चाहिए बदतमीज। ये तो डिटो सेम ग्रेनी चैप्टर 2 वाला है। बट गैस यहाँ पे खाली पड़ा हुआ, इधर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, नथिंग एल्स। यहाँ पे अपना कुछ भी काम का नहीं है। क्रोबार लेके आते हैं बाहर से और देखते कि अपने को वहां से क्या मिल सकता है। ओह, यहाँ पे क्या है? डज नॉट वर्क। ओह भाई, ग्रीन की का काम यहाँ पे है, समझ गया। ग्रीन की अब वहां लग जाएगी। ग्रीन की कौन सी थी? ये थी ना ग्रीन की। देखना पड़ता भाई, कलर भी नहीं लगा हुआ ग्रीन कलर। अब इसको खोलते हैं, इसको यहाँ से क्या मिलेगा अपने को। अपने को यहाँ से मिल चुकी है ग्रैनी चैप्टर 1 वाली बुक। आई कुड ट्रैप ग्रैनी विद दिस बुक। अरे क्या, अरे यार इसको भगा दो कोई, मुझे भगाना पड़ेगा। क्या मैं ग्रैनी को इस वाले बुक के अंदर ट्रैप कर सकता हूँ? क्या हो रहा है इस गेम के अंदर भाई? इतना कुछ क्यों डाल दिया भाई? तो चलो गाइस, तो हम ग्रैनी को इस वाली बुक के अंदर ट्रैप करते हैं। बट कैसे ट्रैप करना पड़ेगा देखना पड़ेगा, रुको। बट अभी वो यहाँ पे भी हो सकती है, रुको रुको। पहले मैं काम कर लेता हूँ, मेरे क्रोबार का काम कर लेता हूँ। इसको यहाँ पे मैंने ड्रॉप करा, उसने बैक साइड से शोर कर दिया। सिंपल है, मेरे को देते हो ये वाला क्रोबार, एंड इतने वो आएगी, इतने मैं अपने क्रोबार का काम पूरा कर लूँगा इजी। एंड अभी मैं यहाँ से फिर से घुस जाता हूँ और यहाँ से कूद के चेक करते हैं कि अपने उस वाले बॉक्स के अंदर क्या रखा हुआ, क्या पता कुछ काम का मिल जाए। तो गाइस अपने लिए बहुत, अरे कहाँ गया, अपने लिए वो चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी अगर इसके अंदर से कुछ काम का निकल जाए। इलेक्ट्रिक स्विच, एंड इससे हम कर सकते हैं ट्रेन एस्केप। लेबिरिंथ, इसका मतलब क्या डोंट नो, देख लेंगे अगले एपिसोड के अंदर अगर मेरा मन करा बनाने का फिर से। इसको जस्ट यहाँ पे शोर करने के लिए ड्रॉप कर रहा था। ग्रैनी किधर है नहीं पता भाई, ग्रैनी को ट्रैप करते हैं इस बुक के अंदर। बट कैसे ट्रैप कर रहा है मुझे नहीं पता, बट ग्रैनी है कहाँ पे। ग्रैनी को बुला के ग्रैनी को ट्रैप करते इसके अंदर। ग्रैनी आजा, ये कर दिया मैंने ग्रैनी को, सच में ट्रैप कर लिया। ग्रैनी इज नाउ ट्रैप्ड इन दिस बुक। और मेरे को ग्रैनी ने दे दी टैंक एस्केप की चाबी, और ये सेम चाबी तो यार मेरे को बिल्कुल उसके जैसे लग रही है। ट्रेन की चाबी नहीं लगती है, डिटो सेम। और आई थिंक इस वाली बुक के अंदर से अब ग्रैनी बाहर कैसे निकालू, खुल जा सेम सेम। भाई ग्रैनी का भरोसा नहीं, एक काम करते हैं हम इस वाली बुक को जेल के अंदर बंद करके। अरे तेरी, मैंने इसका मारूंगा मैं। तो गाइस फाइनली मैंने ग्रैनी को बुक के अंदर बंद करके उसके बाद मैंने ग्रैनी को जेल में बंद कर दिया, सत्यानाश कर दिया हमने ग्रैनी का। एक सेकंड, ट्रेन की को मैंने यहाँ पे कर दिया ड्रॉप। और गाइस मेरे को जहां तक लगता है कि अपना टैंक इस वाले गेट के पीछे है, तो मैं अभी फटाफट से जाके लेके आता हूँ पेडलॉक की। चलो चलो चलो, लेके आते फटाफट से पेडलॉक की को, मजा आ गया। बस अभी मैंने पूरे घर को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया है। एक सेकंड, मुझे अपना स्लिंग शॉट ले लेना चाहिए, क्योंकि बिकॉज अपने को रस्ते में बुड्ढा भी तो मिल सकता है। स्लिंग शॉट कहाँ है मेरा स्लिंग शॉट? शायद यहाँ पे पड़ा हुआ। डन, ईजी, क्योंकि हमने ग्रैनी को गायब कर दिया है तो सिर्फ ओनली रहता है ग्रैंडपा, एंड उससे तो अपन इजीली निपट लेंगे। इसके ट्रैप से कभी मैं ना फंस जाऊँ, बारी बारी इसके सारे ट्रैप्स कर देता हूँ ख़त्म, बिकॉज ग्रैंडपा ट्रैप्स नहीं डालता है, ओनली ट्रैप डालती ग्रैनी। बुड्ढा इधर, और शॉटगन उसका हाथ। अरे कोई बात नहीं बुड्ढा, ये ले बिल्कुल पास से मारूंगा तुझे मैं, बताऊँ इस बुड्ढा। अपनी शॉटगन दे दे मुझे, इसको मैं यहाँ फेंक दूँ कि ताकि बुड्ढे वो तेरे हाथ ना लगे। और गाइस अभी चल के वहाँ से लेके आते पेडलॉक की। अरे यार मैं ट्रैप में फंस ही गया ना, बैठ बैठ। तो चलो बराबर से यहाँ से अपने को मिल जाएगी पेडलॉक की। और गाइस तो फिर चलो चेक करते हैं कि अपने को टैंक एस्केप करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है ना बुड्ढू। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ग्रैनी दोबारा पैदा तो नहीं होगी? नहीं नहीं नहीं, ग्रैनी उसी वाली बुक के अंदर बंद है। ग्रैनी को मैंने बंद कर दिया बुक के अंदर, बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। ग्रैनी से पीछा छुड़ाना हो तो बस सिर्फ अपने को यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, ग्रैनी से पीछा छूट जाएगा इजी। कितना आसान हो गया ना। तो ये लो, खोला इसको हटाया, और ये रहा अपना टैंक। कितना बड़ा टैंक खरीद लिया ग्रैनी ने। और गाइस आई थिंक ये टैंक ग्रैनी ने चुराया है, क्योंकि ये मेरे को लग रहा है यार मिलिट्री वालों को लग रहा है यार। मिलिट्री का टैंक चुरा लाए भाई वो लोग, इतना पैसा कहाँ से आएगा। एक सेकंड, चेन्स को काटना पड़ेगा, देखो यार। ओ आई नीड ए चेन कटर। यहाँ पे टैंक खड़ा है, और गाइस अरे तेरे थप्पड़ मार दूंगा। यहाँ पे खड़ा है टैंक, सामने दीवार है, शायद उस वाली दीवार को अपने को तोड़ते हुए जाना है।
ये तो भाई कुछ भाई बहुत बड़ा एस्केप होने वाला है। ग्रैंड एस्केप सीधा लो। और ये इधर इतने खुले में संडास लगाने का क्या लॉजिक था? इतने खुले में बैठ के कौन हकेगा यार? सामने से ब्रो उसका सब कुछ दिखेगा। अरे छोड़ो 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 ये सब छोड़ो। और आई थिंक अपने को यहाँ से कुछ मिलेगा, नथिंग एल्स। वो बढ़िया चीज लगा रखी यार, वेंटिलेटर लगा रखे इधर। बढ़िया बढ़िया। आई थिंक अभी अपने को टैंक के अंदर कैसे घुसना है? टैंक के अंदर घुसने पेट्रोल डालना पड़ेगा। आई नीड ए गैसोलीन कैन, बट वो तो मेरे को अब तक पूरे घर में कहीं पे भी दिखाई नहीं है भाई। और क्या डालना पड़ेगा? और आई थिंक टायर टूर तो नहीं लगाने इसके देख लग अभी भाई टायर लगाने हो शायद अपने को सिर्फ। अबे तेरे इसकी, एक सेकंड, ये गई भाड़ में। रुक, ये देखो, सुनो, रुको, अब सुनो। तो जैसा कि तुम लोगों ने सुना कि इस गेम के अंदर आ चुके स्पाइडर एंजेलिना, बट अपने को उससे पहले इसको यहाँ से कुछ ये वाला जुगाड़ कर कुर के खोलना पड़ेगा। कोई बात नहीं, उसका बन जाएगा पार्ट टू। बट अभी फिलहाल अपने को थोड़ा यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा, थोड़ा सा सेफ हो गए, सिर्फ ओनली ग्रैंड पर घूम रहे हैं। बट उससे पहले मैं भगाने वाला हूँ स्लेंडरिना को। बुड्ढा बाहर से आ सकता है, मैं सीधा ये लिया मैंने अपना वेपन। अरे बुड्ढे बुलाया आ गया, कितना बदतमीज है यार तू, हट। मार दिया, चलो मैंने इसको, इजी था। पहले मैं भगा देता हूँ हमारी दीदी को, क्योंकि यार ये मेरे को बहुत तंग कर रही है, बहुत तंग कर रही है, सीरियसली बहुत ज़्यादा। इसको यहाँ से यहाँ फेंक देता हूँ। और टैडी मैं जस्ट शायद यहाँ पर ड्रॉप करा था, टैडी इधर, गिव मी दैट। और अरे अब ठीक है, मैं नहीं दुखा था टैडी, बदतमीज कहेगी, दो घंटे से मेरे को तंग करने लग रही है ये। आई बड़ी, इतने सारे ट्रैपों का तेल डालती क्या वो बुड्ढी ग्रहणी? चल 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 चल, बढ़िया 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी बस अपने को यहाँ से जंप करना था। ओल वे कहता तू ग्रहणी के पत्ता मित कौ। सीरियसली यार तू मेरे को चोच मारता, अभी इसके चोच मारने के बाद भी इसका चश्मा बाहर नहीं आ रहा। देखिए देखो, ये देखो पूरा कदी ऐसे ऐसे मार देता, चोच चश्मा बाहर नहीं आ रहा इसका। नल बढ़िया, नल बढ़िया, तेरा काला चश्मा जसदा है तेरे काले काले कौवे पे। चश्मा फेंक, अबे तेरे के चुरने हो रहे दीदी, चश्मा फेंक के मार दे, उधर दे कैसे, अबे मार रहा अपना फेंक के चश्मा पत, पत, अबे यार छी। बस अभी मैं सिंपली बस यहाँ से कूदा और इसका टैड यहाँ से डाल के मैंने इससे अपना पीछा छुड़ाया, छूट गया पीछा। दीदी तेरे काले काले चश्मे तेरे पे सूट नहीं कर रहे। भाई जो देखो जिसको देखो उसने पैर रखा है काला चश्मा जसदा, एंड चश्मा गायब हो गया था जस्ट। अभी अपने को वहाँ से मिल चुकी है सेफ की, और क्या पता मुझे इसके पीछे से मिल जाए मेरा गैसोलीन कैन। अबे ये चाबी मेरे हाथ में नहीं आ रही थी, लेकिन अपने को सिर्फ ओनली चाहिए गैसोलीन कैन। मैं जाऊँगा वहाँ से जाऊँगा, क्या पता सामने से बुड्ढा घूम रहा हो यार, कुछ भी हो सकता है। ईजी ग्रैंड पर यहाँ पे भी होता है समटाइम्स, बाथरूम में चक्कर काटता रहता बुड्ढा यहाँ पे खड़ा होकर देखता है शीशा। डन, यहाँ से मुड़कर ट्रेन की मिली, ट्रेन की चाबी भी सेम है भाई, टैंक की भी सेम है, सब कुछ तो सेम है। इधर वो रहा बुड्ढा, इधर वो रहा। हेलो बुड्ढे, अरे बुड्ढे तूने देख के क्या उखाड़ लिया, वेरी इज माई, एक सेकंड चलो छोड़ो। सिंपल सी बात है, बस अपने को यहाँ से जाना है, और गैस अपने को यहाँ से पड़ा हुआ मिल जाएगा मेरा स्लिंग शॉट, एंड बस सिंपल भाव से लूंगा मैं बहुत सारे पत्थर। अबे हट मत तमीज ब्रो, यार इसके ऊपर स्टोन्स पड़े हुए हैं, ला दे दे भाई, फिर आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा। बढ़िया भाई, कुछ भी हो रहा है जो हो रहा है बढ़िया हो रहा है, बहुत ही इजी, बहुत ही आसान तरीका। ये ले बुड्ढे, ये मर जा। और भाई बुड्ढा से ऐसे मारा सीरियसली, ये तो मजेदार था। बट गाइस अपने को चाहिए गैसोलीन कैन, जो कि शायद अपने को गाड़ी के अंदर से मिलना चाहिए। एक सेकंड, गाड़ी के अंदर पड़े हुए पत्थर पड़े हुए हैं, दे दो। गैसोलीन कैन मिल गया यार, गाड़ी का जहाँ पे लगता है इंजन वहाँ पे रखा हुआ है इसका गैसोलीन कैन। तो चलो दे दे, देना मेरे को, चल दे बदतम इसका। ओ भाई बुड्ढा गायब हो चुका है, तो आई थिंक बुड्ढा कभी भी दोबारा पैदा होकर मेरी गुद्दी तोड़ सकता है। अरे आ जा रहा स्लिंग शॉट यार, क्या बदतमीजी कर रहा है, चीजें हाथ में थोड़ा लेट आ रही है, मतलब कि गेम में थोड़ी बहुत दिक्कत है। अभी गेट के आर पार तो कर दिया करो यार, ग्रैनी 3 में तो ऐसे होता है यार, गेट खोला और तुम गेट के ऐसे लो निकल जाओ तुम उसके आर पार। बट गाइस क्या मैं ग्रैनी को इस वाली बुक के अंदर से छुड़ा सकता हूँ? 12। तो गाइस आई थिंक मैंने ग्रैनी को परमानेंटली यहाँ से भगा दिया, बढ़िया। तो चलो चलते हैं और देखते हैं कि क्या मैं गैसोलीन कैन को डाल के मैं सीधा यहाँ से टैंक एस्केप कर सकता हूँ, बिकॉज अपने पास पड़ी हुई है टैंक की चाबी भी, टैंक की। बट पहले डाल देते हैं इसके अंदर पेट्रोल, सिंपल सी बात है। और मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही, सारी चीज़ें चलती हैं गैसोलीन कैन से, एंड आई थिंक अभी अपने को एस्केप करने के लिए और कुछ चाहिए। मैं एक काम करता हूँ, सीधा यहाँ से उठाता हूँ टैंक की, और क्या पता सीधा इससे एस्केप हो जाए। अबे कहाँ लगाऊँ ये चाबी, टॉप पे भी तो चढ़ना होता है शायद इस पे। अच्छा आर से,
आर से घुसना टैंक के अंदर। अबे तो जान अंदर, आई कांट एस्केप येट। अरे ब्रो मेरे को चेन कटर चाहिए भी वहां से। अभी चेन कटर कहाँ मिलेगा पूरे घर के अंदर, ये तो मैं भूल ही गया था लाडले। एक सेकंड, अभी चेन कटर छोड़ो, पेडलो की मैं हाथ में लेके चला जाता हूँ, बट अपने को चेन कटर कहाँ से मिलेगा मेरे को सच्ची में नहीं पता है। आई थिंक अपने को क्रोबार का यूज करना पड़ेगा, बिकॉज एक बॉक्स और रखा होता है लास्ट टू लास्ट सेकेंड थर्ड फ्लोर पे, बट भाई वो बुड्ढा कहीं से भी टपक सकता है। इसको खोल देता हूँ, बट यहाँ से अपने को आइटम लेने के लिए यहाँ पे रखने पड़ेंगे दो वास रखने पड़ेंगे पानी के भर के, वो भी बड़े पंगे हैं। बट एक सेकंड, मुझे वहां से लेके आना था क्रोबार। शेड की तो अपने को नहीं लेनी पड़ेगी ना मेरे ख्याल से, बुड्ढे की छोड़ के ले ले मेरे भाई। तू एक काम कर, पहले मेरे को दे वाला तू क्रोबार। अबे आ जा क्रोबार यार, क्या बदतमीजी कर रहा है तू लड़ ले यार। क्रोबार को लेके चलते अभी ऊपर और देखते कि अपने को यहाँ से कुछ नया, कुछ पुराना या कुछ अच्छा मिल जाए भाई, जिससे कि मेरा एस्केप हो सके बस सिर्फ। लेकिन अपने को चाहिए एक चीज एंड वो है अपना चेन कटर। और चेन कटर और भाई कैसे, बढ़िया तू थग लाइफ का चश्मा, वो भी एक मरे हुए स्केलेटन पे, बढ़िया। बुड्ढा पूरे घर में मेरे को रेंडमली कहीं पे भी मिल सकता है, क्या पता यहाँ वहीं घूम रहा बुड्ढा कहीं का बदतमीज, वो अपने को कहीं से भी मिल सकता है। थोड़ा इजीली थोड़ा देख के जा भाई, बुड्ढे बुड्ढे ग्रैंड पे तू मेरे रास्ते में मत आ। नहीं नहीं नहीं, बुड्ढा यहाँ पे नहीं है बिकॉज ये वाला गेट। अरे अरे भाई बुड्ढा गेट खोल गया अंदर कैसे, ट्रैप उधर ट्रैप है, ट्रैप है ट्रैप, आ जा आ जा। अबे ये क्या हो रहा है इधर, बुड्ढे मार दूँ तेरे। मैं इधर छुप जाता हूँ बेड के नीचे। अब छुपना भाई, ये बेड के नीचे नहीं छुप रहा था। ओह माय, बेड के नीचे ये बंदा छुपा ही नहीं, गया यहाँ से, संभल के गया गया गया। बच गया इससे बाल बाल। भाई बुड्ढा ट्रैप से अभी मेरा पैर फंसता, मैं गया इधर। इजीली चल अब यहाँ से निकल ले। ले 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 मेरा बच्चा, आना बेटे आजा मेरे बच्ची। छोड़ में क्यों पंगे ले रहा है, क्या पता भाई ये बुड्ढा यहाँ पे आके मेरे को मार दे। नया गेम है ना, अगर मैं चारों तरफ देखूं तो चारों तरफ सिर्फ ओनली अंधेरा अंधेरा। अरे अरे भाई यार तू क्यों देख रहा मुझे है बदतमीज। इसको बस सिर्फ आती है चोच मारनी। मुझे लगता है कि इसने ये चश्मा चिपका रखा है फाइव किक के साथ। कितना बदतमीज का हुआ है, मानना पड़ेगा यार थग लाइफ वाला बंदा ये तो। चलो भाई यहाँ से कूद के चेक करते कि इस डब्बे के अंदर क्या पड़ा हुआ। नारियल, मुझे क्या मिला वहां से, एक नारियल। अंदर से मुझे मेरे काम की चीज नहीं मिलने वाली बिकॉज मेरे को चाहिए था चेन कटर, और गाइज इतना बड़ा चेन कटर इस वाले नारियल के अंदर घुस ही नहीं सकता, पक्का देखा हूं। ये लो इसके अंदर से मिला कॉइन मिला जो कि मेरे कुछ भी काम का नहीं है। अपने को चेन कटर चाहिए और चेन कटर मुझे नहीं पता भाई कि वो कहाँ मिलेगा। एक सेकंड, चेन कटर छोड़ो मुझे यहाँ से दे दो, ये मेरा स्लिंग शॉट डन। हाथ में सेफ्टी होना जरूरी है। अब चेन कटर कहाँ कहाँ मिल सकता है मेरे को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ट्रेन के भीतर तो नहीं पड़ा हुआ चेन कटर, वेर इज चेन कटर। चेन कटर अपने को मिल सकता है शेड के अंदर से, शेड में शायद, मे बी शायद। बट पहले अपने को बुड्ढे को शेड भी लगा दे क्या, ताकि बुड्ढा अपने काम के बीच में ना आए। बुड्ढू चलो छोड़ो, इसको यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं एंड अभी यहाँ से मिल जाएगी अपने को शॉटगन। एंड अभी मैं ग्रैनी के पत्ता मिस कवे को सीधा इससे मारने वाला हूँ, बट उसके लिए अपने को चाहिए पहले यहाँ से दो एमओ। अरे यार ये बुड्ढा यार जा देखो बीच में टपक जाता है। इधर आ इधर इधर आ इधर, क्या मैं इधर आ इधर क्या क्या, निकल यहाँ से पत्ता मिस। दो घंटे से पोरा है, चल 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 जल्दी बुड्ढा तेरे पिछवाड़। No jokes on that point. सिंपल यहाँ से मेरे को मिल जाएगी एक ये चाबी और एक, अबे चाबी नहीं ब्रो एमो मिल जाएगी एमो। और गाइस अभी चलते हैं ऊपर और देखते हैं कि ग्रैनी के बदतमीज कौवे को मारने के बाद एंड उससे अपने को मिल जाएगी शेड की, और फिर उसके बाद आई थिंक मेरा चेन कटर मिल जाएगा शेड के अंदर। हट यहाँ से, इसके गंदे ट्रैप सारे फोड़ दूंगा मैं। ये ले तेरे ट्रैप, ये ट्रैप मेरे रास्ते में चार घंटे से बार बार आए जा रहे हैं बदतमीज कहेंगे। बट गाइस अपने को बुड्ढे को भी मारना पड़ेगा यार, शायद मुझे ये लगता है कि मैं इसको मारूंगा तो फाइनली इसका बुड्ढा तो मेरे पीछे पीछे आएगा ही। मैं तेरे से पूछूं लास्ट बार, अबे हाँ बदतमीज मेरी बात सुन ले, मेरे को ये चाबी दे दे वरना तेरे थोबड़े से मैं तेरा काला चश्मा उतार दूंगा। अच्छा नहीं दे रहा है, मरना पड़ेगा, निकल यहाँ से। ब्रो ब्लड निकला ब्रो, मुझे ये लगता है कि मेरा कभी ये वीडियो डिमोनिटाइज ना हो जाए। पहली बार देखा है यार ग्रैनी गेम में ब्लड, मैंने पहली बार देखा है ऐसे चितड़े से बाहर आ जाते भाई। एक सेकंड, पहले शॉटगन को इसको छोड़ो, ये शेड के नीचे फेंक देता हूँ, उसके बाद अपन बुड्ढे को मारते चलेंगे, उसको वहां पे करते ड्रॉप। और अभी मार रहा हूँ ग्रैंडपा, सिर्फ तू और मैं, मजा आएगा, सिर्फ तू और मैं ही तो लड़ेंगे लाडले। और तू ज़्यादा बोलेगा तो बुड्ढा पिटेगा मेरे से, वो भी बुरी तरह। यहाँ से बैठ के जाऊँगा एंड यहाँ से मेरे को ये पत्थर दे दो, डन इजी। आ जा बुड्ढे, बुड्ढा इतने पहुँचेगा
इतने में एक काम करता हूँ, इतने में जाके खोल लेता हूँ मेरे शेड की को, सॉरी बट थोड़ा ध्यान से बुड्ढे के हाथ में मेरी शॉटगन ना लग जाए। बुड्ढा इस वाले गेट से आएगा, शेड की दे दे, एक साथ में मेरे दो काम करती है। यहाँ से मुझे मिला, मुझे अब भी मेरा चेन कटर नहीं मिला यार, सीरियसली ब्रो, यहाँ पे चेन कटर यहाँ पे भी नहीं पड़ा हुआ, वहाँ पे पड़ा हुआ है यार एक्सेलेटर। आई थिंक मुझे उतारने पड़ेंगे ग्रैनी के वो दोनों वास, बट पहले मुझे इस वाले बुड्ढे को मारना पड़ेगा। अबे कहाँ रह गए बुड्ढा, ये चार दिन में पहुँचे क्या क्या कि तू बुड्ढे यहाँ तक मेरे तक। बुड्ढे को पता ही नहीं कि मेरे साथ कुछ हुआ कि नहीं हुआ, डोंट नो। अरे आ जा यार, और भी बहुत काम होते हैं मेरे को यार, ग्रैंड पा बुड्ढा है। इसके साथ कहाँ चला गया ये, इसको ढूंढ के लेके आना पड़ेगा क्या। एक काम करता हूँ, इसकी शॉटगन को यहाँ फेंक देता हूँ कि ताकि वो इसके हाथ ना लगे, और मैं अपने हाथ में लेके चलता हूँ ये वाला स्लिंग शॉट। आई थिंक बुड्ढे को फर्क नहीं पड़ रहा कि मैंने इसके बदतमीज कौवे को मार दिया, और अभी अपने को यहाँ कहीं मिलेगा नहीं, यहाँ पे नहीं है। बुड्ढे को ढूंढ ढूंढ के मारना पड़ेगा लाडले, टनन टनन चीन टपाक डम डम। क्या बुड्ढा यहाँ पे है? अबे तो बुड्ढा कहाँ चला गया भाई, बुड्ढा तो कहीं पे भी है ही नहीं। बुड्ढू प्यारे बुड्ढू, अबे तो बुड्ढा ही नहीं तो बाहर में जाए बुड्ढा, बदतमीज कहीं कहाँ। यहाँ से मिलेगा अपने को ये वाला एक वास, एक मिल गया, एंड अभी अपने को दूसरा वास मिल जाता है यहाँ से, एंड इसको भी यहाँ से हिट करा, दूसरा वास मिल गया। बट अभी पहले अपने को उनको लेके भी आना पड़ेगा यहाँ तक। बट वेर इज ग्रैंडपा, अबे ग्रैंडपा कहाँ चला गया, पूरे घर में है ही नहीं बुड्ढा। पहले ये वास को यहाँ से नीचे यहाँ पे फेंका, ड्रॉप करा, डन। इतने सारे काम करने पड़ेगा मेरे को, वो रहा बुड्ढा। अबे तेरे को पता ही नहीं क्या क्या हो रहा है, हट बदतमीज कहीं कहा। आई सी यू, बुड्ढे को फर्क नहीं पड़ता भाई, सीरियसली बुड्ढे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बस करो यार, म्यूजिक को बंद कर दो, हो गया, म्यूजिक को बंद कर दो, उसको मार दिया मैंने, धक 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 हो रही है इधर मेरे कान में। उसको वहां से उधर फेंक देता हूँ। अरे यार अपने कुछ ये था वास, और शायद दूसरा वास यहाँ पे आके ड्रॉप हुआ था शायद, यहाँ ये पड़ा इधर, डन। एंड अभी अपने को इन दोनों वास को पानी से भरना पड़ेगा, और वहां पर जाके नीचे पेडस्टल पे लगाना पड़ेगा। लेकिन ये इसकी धक धक बंद नहीं होने वाली, और आई थिंक ये बंद होगी तभी जब मैं मरूंगा। अबे यार क्या गेम है यार, थोड़े बहुत गेम के अंदर ग्लीचीज है, बट चलो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। ये मैंने पानी से इसको भर लिया, और बस अपने को बुड्ढे के पैदा होने से पहले ये वाले वास इसको वहां पे ड्रॉप करना पड़ेगा। और आई थिंक इस गेम के अंदर ये वाले जो होते हैं ट्रैप्स, ये वाले ट्रैप्स गायब नहीं होते हैं जब तक कि इनके ऊपर मेरा पैर फंस जाए। बढ़िया है, बहुत बढ़िया, ये लगाए किधर, डन। तो बस अभी अपने को सिंपल दूसरा वास भी सेम ऐसे ही लेके आना है, और बस वहां पे लगाना है। लेकिन बुड्ढा स्पॉन हो चुका होगा, तो एक काम करता हूँ मैं चारों तरफ के गेट्स को बंद कर देता हूँ, अगर बुड्ढा मेरे पास तक पहुंचे तो उसको गेट खोलने में टाइम लग जाए। इसका क्या काम है मुझे नहीं पता भाई, पता नहीं भाई कौन सा टूल है भाई कौन सा टूल है। ओ इट इज फुल, थैंक्स ब्रो। और साथ में एक चीज और कि मुझे ये वास घर के अंदर पत्थर, ब्रो घर के अंदर भी भाटे पड़े हैं। तो गाइज बस सिर्फ मेरे को ये वास अपने हाथ से ड्रॉप नहीं करना, वरना इसके अंदर जो पानी है वो पानी भी बिखर जाएगा, और उसके बाद फिर मेरे को दोबारा से इसको भर के लेकर आना पड़ेगा। दे दे मेरे को, दे 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 दे, कुछ काम कर, दे दे भाई प्लीज 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 प्लीज। चेन कटर अपने को इधर से मिल रहा था भाई, फाइनली मेरे को चेन कटर मिल चुका है, और आई थिंक अभी मैं यहाँ से टैंक एस्केप कर सकता हूँ, और मैं यहाँ से ग्रैनी ग्रैंडपा का इतना महंगा टैंक यहाँ से चुरा के भाग जाऊंगा, मजा आएगा। और गाइस देखते हैं कि यहाँ पे इसकी एंडिंग कैसे होने वाली, एक इसको यहाँ से तोड़ा, एक इसको यहाँ से सॉरी काटा नो की तोड़ा, और आई थिंक अभी मैं ऐसे एस्केप कर सकता हूँ। अब करना है इसके, अरे अबे चाबी पहले इस पे लगेगी चाबी। सो गाइस फाइनली मैंने ऐसे टैंक एस्केप कर लिया शायद चाबी, बट मैं अभी इसके अंदर घुस गया, मैं शायद मैंने एस्केप कर लिया, बट ये तो मुझे कुछ बाहर का एरिया लग रहा है, आई थिंक मैं किसी, अबे ये क्या हुआ, ब्लास्ट हुआ शायद। ओ ब्रो मेरे वहां से उसकी दीवार तोड़ के बेसमेंट में से निकला हूं खोद के, और मैंने वहां से टैंक एस्केप कर लिया। यहाँ के सारे सारे इसने पेड़ गिरा दिए नीचे, दी एंड। सो फाइनली गाइस मैंने टैंक एस्केप कर लिया, ये तो बड़ा आसान सा था, ठीक ठाक था। और गाइस अगर तुम लोगों को भी चाहिए टैंक एस्केप लेकिन हार्ड और एक्सट्रीम मोड के अंदर, तो मुझे नीचे प्यारे प्यारे कमेंट्स कर देना, तो ये आ जाएगा। नॉर्मल मोड मैंने सिर्फ इसका इसलिए खेला था कि ताकि मेरे को सारी चीजों का अच्छे से पता चल जाए। एंड सो गाइस आज के लिए सिर्फ इतने रखते हैं, होप यू गाइस आप लोगों को ये वाला गेम प्ले वीडियो पसंद आया, तो एक लाइक कर देना, और अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, वो फ्री होता है। और बाकी मैं तुम लोगों से मिलता हूँ ऐसे किसी इंटरेस्टिंग से गेम प्ले वीडियो के साथ, सो बाय बच्चों के साथ, कैसा लगा नीचे कर देना, ठीक है ठीक है, बाय बाय। तुम लोग बहुत प्यारे हो, सो सो बाय बाय। तेरा भाई बेटे बोलते बोलते। तुम लोग बहुत प्यारे हो।
तुम लोग बहुत प्यारे हो, मिलता हूँ तुम्हारा जल्दी।